सही भाई बजाई ठीक है। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मतलब चेस्ट के ऊपर है ठीक है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनका चेस्ट 80 नहीं हो पा रहा है ठीक है, और फुलाने के बाद 85 नहीं होता है। तो मतलब कैसे करें ठीक है कि मतलब मेरा चेस्ट 80 हो जाए और हम बहाली से बाहर ना हों। तो ये इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वो कौन से 4 या 5 एक्सरसाइज है जिसे आप करने के बाद अपना चेस्ट 80 से 85 कर सकते हैं ठीक है। ज़्यादा नहीं, आप 20 से 25 दिन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब मेरा चेस्ट इंप्रूव हुआ है। ऐसे बहुत सारी बहालियाँ हैं जिसमें चेस्ट लगभग में 80 से 85 लिया जाता है। सिर्फ एक आर्मी है या फिर आर्मी में लिया जाता है 77 से 82 ठीक है। बाकी जितनी बहालियाँ हैं सब 80 से 85 लिया जाता है। तो आइए बताते हैं कि मतलब वो पांच कौन सी एक्सरसाइज है जिसके बाद मतलब जिससे मेरा चेस्ट इंक्रीज हो जाए ठीक है, मिडिल और अपर ठीक है। तो तीनों मसल्स को ट्रेन करने के लिए वो एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं कि मतलब वो कौन सा एक्सरसाइज है जिससे मतलब लोअर और मिडिल और अपर तीनों को हम ट्रेन कर सकते हैं और अपना 20 से 25 दिन के अंदर अपना चेस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो भाई एक बात बताने जा रहे हैं कि मतलब वो चेस्ट के साथ साथ बैक वाली एक्सरसाइज कर सकते हो आप ठीक है, क्योंकि वहाँ मतलब चेस्ट आया था बहुत सारे लोगों का रहता है कि मतलब ऊपर से देखने में चेस्ट कम रहता है लेकिन जो उसका बैक रहता है ये साइड वो निकला हुआ रहता है ठीक है। तो चेस्ट के साथ साथ बैक का एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन चेस्ट का जो भी पुशअप लगाना होगा वो मतलब आपको रेगुलर आज किए उसके बाद एक दिन गैप कर सकते हो ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आज किए कल भी किए परसों किए, आप ऐसे कर सकते हो कि मतलब एक दिन बैक किए और एक दिन चेस्ट का एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स टूटता है ठीक है, उसको रिपेयर होने में टाइम लगता है। रिपेयर होने में जब टाइम लगता है तो मतलब एक दिन रेस्ट दें उसके बाद फिर अगले दिन बैक का करें, उसके बाद फिर अगले दिन बैक का रेस्ट दें, उसके बाद फिर अगले आपको अपना डाइट में भी ध्यान देना होगा जो कि मतलब नॉर्मल है, मतलब वो सब इफेक्ट कर सकता है ठीक है। तो आप चावल के साथ दही खा सकते हैं ठीक है, उबला हुआ आलू खा सकते हो या फिर जो शकरकंद होता है या फिर वो भी ले सकते हो, अंडे ले सकते हो बस। अगर इतना अगर आप करते हो तो आपको 20 से 25 दिन में रिजल्ट दिख जाएगा ठीक है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो मतलब जिनका चेस्ट नहीं पूर रहा है या जो भाई जिम जाते हैं वो वहाँ भी कर सकते हैं ठीक है। तो आइए बताते हैं कि मतलब वो पाँच एक्सरसाइज कौन कौन से हैं जिनसे मेरा चेस्ट इम्प्रूवमेंट हो ठीक है। तो दिक्कत है तो ये वीडियो उनको उनके पास शेयर कर सकते हैं ठीक है, कि उनका भी मतलब वो चेस्ट में फेल ना हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब बहाली में चेस्ट में फेल हो जाते हैं। फिजिकल से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड या फिर रनिंग से रिलेटेड तो इस चैनल पे कमेंट करें, वैसा ही मतलब उसी टाइप का वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है।
तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।